हेलो दोस्तों, मैं हूं रविश और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फायरबॉल टॉक 2 ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच के बारे में, जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग, AI असिस्टेंट जैसे काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देते हैं। वॉच के बारे में जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है फायरबॉल टॉक 2, जिसकी अगर हम स्क्रीन की बात की जाए, डिस्प्ले की बात की जाए, तो आपको इसमें 1.28 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है। 59 ग्राम्स आपको वॉच का वेट मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम फील देता है। वॉच की साइड्स में मेटल का यूज़ किया गया है, जिससे कि वॉच काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। इसमें आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, और इसमें 100 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो वही आप रख सकते हो। राइट साइड स्लाइड करोगे तो वहाँ पर आपको शो होगा कि आप कितना चल चुके हो, कितना सो चुके हो, और राइट की तरफ स्लाइड करोगे तो वहाँ पर आपको हार्ट रेट शो होगा, ऑक्सीजन लेवल शो होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है वॉच की प्राइसिंग के हिसाब से। फिर आपको इसमें मिल जाते हैं कॉलिंग के ऑप्शंस, जैसे कि आप इसमें डायल भी कर सकते हो और रिसेंट जो आपने कॉल की है उसे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट इसमें सेव हो सकते हैं। 10 कॉन्टैक्ट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है सेव करने की, तो जो 10 कॉन्टैक्ट्स होंगे जो आपने फ़ोन से वॉच में अपलोड किए हैं उन्हें आप कॉल कर सकते हो बिना फ़ोन को यूज़ किए, लेकिन आपको इसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करना होगा क्योंकि इसमें कोई सिम वगैरह नहीं लगती। फिर आता है म्यूज़िक प्लेयर, जिसमें आपको वॉइस क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है। अब आप वॉच का यूज़ गाने सुनने के लिए तो नहीं करोगे, लेकिन अगर आप कॉल वगैरह करते हो तो साउंड एकदम क्लियर है। बाकी जो म्यूज़िक की साउंड है एक बार आप खुद ही सुन लो। तो ये थी रूम के अंदर की साउंड, अब बाहर जाके चेक करते हैं कि कितनी लिसनेबल ये साउंड रहने वाली है। तो इतनी अच्छी भी नहीं है गाइस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, लेकिन अगर आप बात करो साउंड की तो काफ़ी लाउड है, आप सुन सकते हो आराम से म्यूज़िक को। आप इसमें वेदर भी चेक कर सकते हो, जिसमें आपको फ़ोन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप काफ़ी कुछ काम जो है अपने वॉच से ही कर सकते हो। तो गाइस, ये है कैमरा शटर, एक तरह से कैमरा रिमोट का ही काम करता है। आप इससे फोटोज़ को अपनी स्मार्ट वॉच में तो नहीं ले सकते, लेकिन अपने फ़ोन में ले सकते हो। फिर चाहे आपका फ़ोन लॉक है या फिर अनलॉक, आप किसी भी टाइम अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच के थ्रू, और ये फंक्शन आपकी मेडिटेशन वगैरह करने में हेल्प करेगा। अगर आप अपनी वॉच में नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे, जिनमें से कि एक है सेटिंग। सेटिंग पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्टॉप वॉच, अलार्म टाइमर एक्सेट्रा। यहाँ से आप वॉच को वाइब्रेशन मोड पर रख सकते हो और हटा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वाइब्रेशन मोड पर थोड़ी सी जो है बैटरी आपको ज़्यादा कंज्यूम होगी। इसमें आपको इसमें फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें कोई आपको फ्लैश नहीं मिलती, इसमें बेसिकली आपकी ब्राइटनेस फुल हो जाती है और वाइट स्क्रीन चल पड़ती है। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि फाइंड डिवाइस का है, इससे आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो, आपका फ़ोन साउंड करेगा अगर आपका फ़ोन वॉच के साथ कनेक्ट है तो। अब अगर आप फ़ोन को नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर इसमें सारी नोटिफिकेशन शो होने वाली है, जो कि आपके फ़ोन में आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ मुझे इसमें लगी है। तो इसमें आपको दो गेम्स भी मिल जाती है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। वॉच के साथ आपको इसमें केबल मिल जाती है, चार्जिंग केबल, जो कि पोगो पिन वाली है। अडेप्टर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, आपको अलग से लेना पड़ेगा। वॉच को फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट करना है इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन में ऊपर वीडियो आ रही होगी, वहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि किस तरह से आप अपनी वॉच को फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे। अगर आप 2500 से नीचे वॉच ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली इस वॉच की तरफ आप जा सकते हो, अच्छी वॉच है, वैल्यू फॉर मनी है। बाकी वॉच आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।